दोस्तों, कैसे हो आप सब? स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग में। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में मस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं अभी शॉर्ट वीडियो बनाई हूँ, तो इसलिए मैं अभी तैयार हुई थी, देख ले रही हूँ। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, इसके लिए मैं कहना चाहूँगी, जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए दोस्तों। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो दोस्तों। आप लोग वीडियो मेरा बिल्कुल नहीं देखते हो, प्लीज़ मेरा सपोर्ट करो, मुझे भी सपोर्ट कर लीजिए। सबका वीडियो देखते हो, सबको सपोर्ट करते हो, मेरा भी सपोर्ट करो दोस्तों। तो दोस्तों, मैं क्या करने जा रही हूँ आप लोगों में दोस्तों, पीछे देखिए मेरी दुकान है दोस्तों। दोस्तों मैं आप कहना चाहूँगी, देखिए एक ही घर है मेरा, और इसमें दुकान भी की हुई है उधर, मैं सोती भी हूँ उधर, खाना पीना सब एक ही घर में होता है दोस्तों। बहुत दिक्कत रहते हैं, कितना दिक्कत करते हैं, जिसका एक घर होगा वो समझते होंगे दोस्तों। देखिए कितना दिक्कत से, थोड़ा सा भी जगह नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों प्लीज़ आप सब सपोर्ट कीजिए दोस्तों, और शेयर कीजिए। तो बने रहिए ब्लॉग में दोस्तों। मैं क्या करने जा रही हूँ दोस्तों, देखिए आप सबको दिखाती हूँ मैं। देखिए चलिए आप लोग को बताते हैं, देखिए इधर देखिए कितना हमारी बेटी बहुत बदमाशी करती है दोस्तों। छोटी सी है, देखिए देखिए दोस्तों, हम गेहूँ को सारे हुए हैं ना, मैं देखिए सारा छीट दी। तो हम वीडियो बना रहे थे तब तक तो छीट दी, अभी इसको कितना टाइम लगेगा, इसको कितना कितना टाइम लगेगा दोस्तों। देखिए लकी क्या कर रही है, ये देखिए सारा गेहूँ छीट दी दोस्तों, ये देखिए सब छीट दी, ये सब राइस है गेहूँ को कर दी, अब इसको हमको करना पड़ेगा। देखिए तो बने रही ब्लॉग में दोस्तों, और देखिए हम क्या करने जा रहे हैं। तो आज ब्लॉग में कुछ और बताए हैं मुझे दोस्तों कि कुछ बनाऊंगी, पर दोस्तों टाइम नहीं मिला, इसलिए आज यहाँ पर दुकान भी नहीं लगा। रोज दुकान लगाते थे दोस्तों, आज दुकान नहीं लगा, तो कल बना दूंगी दोस्तों। तो मैं जा रही हूँ दोस्तों, देखिए सारा गेहूँ छीट दिया, और ये कोटे का गेहूँ है दोस्तों, कोटा मिला हुआ था हम लोग के यहाँ, कोटा मिलता है आप लोग के यहाँ मिलता है कि नहीं, सरकारी गेहूँ है दोस्तों, कोटा मिलता है। तो ये 6-7 के लिए, तो इसको फटक देंगे, दिन भर सूखा है, और इसको फटक के और फटक के बोरे में रख कर और पिसाने जाएगा मशीन में, पिसा कर तो इसे रोटी पकता है दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहे दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा हमारी वीडियो कैसी लगी दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।